सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी के साथ हूँ। आज हम सब मिलकर बनाएंगे भुट्टे की कचौड़ियाँ। भुट्टे की कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है और बनाने में भी विशेष टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाती है। कभी कोई मेहमान आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि भुट्टे की कचौड़ी फटाफट बना लें, या कभी हमारे परिवार में हमारा मन, बच्चों का मन होता है तो भी हम फटाफट भुट्टे की कचौड़ियाँ बना के खा सकते हैं और खिला सकते हैं। भुट्टे की कचौड़ी बनाने के लिए जो मसाला तैयार करना है, तो मैंने भुट्टे को किस लिया है और इसका पेस्ट बना दिया है, तो ये 250 ग्राम के करीब पेस्ट है। उसके बाद जो मसाला लगना है, तो सबसे पहले इसमें अपन राई लगेगी, जीरा, सौंफ, हल्दी, धनिया, पीसी मिर्ची और बेसन। उसके बाद अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, धनिया है, ये आधी मसाले में डालेंगे और आधी गार्निश के लिए रखेंगे। अमचूर पाउडर है आधा और आधा गरम मसाला, दोनों एक ही साथ डालेंगे इसलिए मैंने दोनों को साथ में रख लिया है। और ये अपने स्वाद अनुसार नमक डलेगा और तलने के लिए, बघारने के लिए, फ्राई के लिए तेल लगेगा। तो इसकी जो तैयारी है वो पूरी हमने कर ली है। अब हम भुट्टे की कचौड़ी बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। भुट्टे की कचौड़ी बनाने के लिए जो डो तैयार करना है, उसमें एक कटोरी मैदा लेना है। एक कटोरी मैदा में एक चम्मच बेसन, एक चम्मच आटा और आधी चम्मच नमक, और फिर उसके बाद एक कटोरी जैसे मैदा है उसमें चौथाई एक कटोरी घी लेना है। आप चाहे तो घी और आधा तेल ले सकते हैं, चाहे तो पूरा तेल ले सकते हैं। इसमें हम घी यूज कर रहे हैं, तो ये चौथाई कटोरी हमने घी लिया है। डो तैयार कर रहे हैं भुट्टे की कचौड़ी के लिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और जैसा कि हम हमेशा मैदा का कोई भी आइटम बनाते हैं, नमकीन या मीठा, तो हल्का सा गुनगुना पानी यूज करते हैं, तो हमने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला लिया है। हमारा डो तैयार हो गया है। इसको हम 20 मिनट से एक घंटा के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। पर इसकी लोई मैं हाथों हाथ बना रही हूँ, कचौड़ी के लिए कम से कम हमें इतनी लोई की ज़रूरत पड़ती है। कचौड़ी बनाने के लिए हमने गैस चालू करके कढ़ाई रख दी है, और ये हमारा डो तैयार किया था, लोई बना के रखी थी, तो आधा घंटा के बाद हम कचौड़ियाँ बनाना शुरू कर रहे हैं। और जो मसाला है वो हमने तैयार कर लिया है भुट्टे की कचौड़ी के लिए। अब हम कचौड़ी बनाना शुरू कर रहे हैं। इनको तो चाहे हम हल्का बेल भी सकते हैं और चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा बेल लिया, उसके बाद ये मसाला भर रहा है। मसाला अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस हल्की सी करना, चाहे तो एक दो बना के रख सकते हैं, चाहे तो एक एक करके अपन डाल सकते हैं। कचौड़ी के लिए क्या, कढ़ाई बिल्कुल मद्दी चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं चाहिए। तो हमने मद्दी कढ़ाई करके एक बार तेल गरम कर लिया था, 2 मिनट के लिए गैस बंद कर दिया था। कचौड़ी डालते समय हमने गैस चालू कर लिया है और बिल्कुल मद्दी आंच रखी है। मद्दी आंच में कचौड़ियाँ अच्छी बनती हैं। थोड़ा सा पुश करते जाएंगे हम, तो बिल्कुल मद्दी आँच रखेंगे। और दूसरी कचौड़ी भी डाल रहे हैं, इसमें कम से कम एक बार में 3 कचौड़ी आ जाएंगे। यदि हमारे घर में सदस्य ज़्यादा कचौड़ियाँ बनना है, तो हम इससे बड़ी कढ़ाई रख के ज़्यादा कचौड़ियाँ भी डाल सकते हैं।
बाकी कचौड़ी अभी जब तक हम बना रहे हैं। कचौड़ी अच्छी फूल गई हैं और इनको अभी हमने एक बार भी नहीं पलटा, जब डाली थी जब उनको पुष्क बस कर रहा था और हल्की हल्की फूलने लगी थी, और हमारी ये कचौड़ी अब अच्छी तरह फूल गई हैं। इनको हल्का सा टच करके देख रहे हैं, हाँ कड़क हो रही हैं, दिख रही हैं, तो अब इसको अपन हल्का हल्का पलटेंगे। कंप्लीट हो गई हैं, गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ गई है। भुट्टे की खस्ता कचौड़ियाँ निकाल कर गर्म गर्म हम खाएंगे, अपने सभी परिवार वालों को खिलाएंगे, और इमली की चटनी के साथ ये कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और आपका भी मन हो रहा होगा, आप ज़रूर बनाइए और मुझे लाइक करिए। देखिए।